तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले वही है, एक बार और आपको जानकारी दे देता हूं और आप लोगों से गुजारिश भी है कि इंग्लिश वाला यूट्यूब पर क्राइम तक इंटरनेशनल लॉन्च हो गया है। तो यूट्यूब पर जाकर क्राइम तक INT इंटरनेशनल का शॉर्ट फॉर्म है ये, मुझे बताया गया। तो यूट्यूब पर जाएँ और क्राइम तक INT टाइप करें और सब्सक्राइब करें और इंग्लिश में पूरे दुनिया के अलग अलग देशों की तमाम स्टोरीज़ कहानियाँ सुने। उसमें मेरी कहानी भी है जो इंग्लिश में होगी। अब इतनी बड़ी फैमिली, इतना बड़ा परिवार है तो मुझे लगता है आज ही की रात में 1,00,000 तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही डालेंगे, इतना तो आपसे कह ही सकता हूँ। तो इसलिए क्राइम तक इंटरनेशनल, क्राइम तक INT यूट्यूब पर नया इंग्लिश चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए और फिर बताइए भी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक तो सबसे पहले सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज हमें भी शाम को अभी हमारे राजदीप सर जो हैं, राजदीप सर देसाई सर, वो हर साल गणेश चतुर्थी पे मोदक खिलाते हैं, तो अभी भी सब हम लोग खाकर आए। और बल्कि मेरी टीम में भी जो है एक आदित्य है वो मुंबई गया हुआ है, अश्वनी है वो मुंबई गई हुई है, प्रवेश है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी वरना वो भी जाता। तो इन सभी लोगों को एक ही चीज़ कहा गया है कि जब वापस मुंबई से दिल्ली आना तो मोदक लेकर आना, अब बड़ा टेस्टी होता है। तो खैर आज हम लोगों ने खाया, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। और दूसरा आज एक और भी इम्पोर्टेंट डे है, आज नए पार्लियामेंट में हम लोगों ने दाखिल ली, एक तरह से दाखिल हुए। तो पुराना संसद भवन अब एक इतिहास में दर्ज हो गया, नया पार्लियामेंट हाउस, नया संसद भवन जिसमें आज पहली बैठक हुई, तो ये भी एक नई चीज़ थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज सुबह हर जगह एक खबर बड़ी तेज़ी से फैली। खबर ये थी कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो मिस्टर जस्टिस जस्टिन ट्रूडो, वो अभी भारत भी आए थे और G20 में हिस्सा लिए, लेकिन G20 में भी ठीक ठाक उनका रहा नहीं है। उसके बाद उनका जो प्लेन था सरकारी वो ख़राब हो गया, टेक्निकल फॉल्ट, 2 दिन तक वो दिल्ली में एक्स्ट्रा उनको रुकना पड़ा। फिर वापस गए तो वहाँ की अपोजिशन पार्टी मीडिया, उसने बहुत उनको घेरा चौतरफा, तो उनके दिन ठीक ठाक नहीं चल रहे थे। और इसी दौरान में उन्होंने पार्लियामेंट में एक बयान दिया आज, और ये कहा कि 3 महीने पहले कैनेडा में एक खालिस्तानी समर्थक, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और ये बात 3 महीने पुरानी है। 3 महीने के बाद आज पार्लियामेंट में ट्रूडो ने कहा कि इस हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है, और इसी के बाद ये पूरा हंगामा शुरू हो गया। तो ये कहानी तो आप सुन रहे हैं, मैं ये कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ। बचपन से सुनता आया हूँ, जितने मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे अच्छे बहुत क्लोज सरदार दोस्त हैं, बड़ा सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ मजाक भी चलता है। स्कूल में भी थे, कॉलेज में भी थे, अब भी हैं बहुत सारे। तो उन लोगों से सुनता था यार क्या करोगे, जैसे हम लोग कॉलेज में थे तो कुछ कहते थे यार कनाडा जाएंगे, हमारे बड़े रिश्तेदार हैं यहाँ पर। तो एक आम धारणा थी कि पंजाब में जो लोग हैं वो सब कनाडा की तरफ भागते हैं। तो मैं उस वक्त सोचता था कनाडा क्यों, आखिर कनाडा में ऐसी क्या चीज़ है, ख़ासतौर पर सिर्फ अपने पंजाब के ज़्यादातर लोग जो सिख हैं वो कनाडा का रुख क्यों करते हैं, और कनाडा में शुरुआत कैसे हुई सिखों के बसने की और जाने की, और पहला सिख कौन था जिसने कनाडा में अपने आप को सेट किया। तो ये पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले कनाडा अगर क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से हम देखें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, अब तक हम लोगों की नज़र में एक कनाडा बड़ा छोटा देश, आबादी के हिसाब से करीब 38 या 40वें नंबर पर उसका आता है, लेकिन एरिया वाइज रूस के बाद रशिया सबसे ज़्यादा एरिया ज़मीन इनके पास है, उसके बाद नंबर 2 पर वर्ल्ड में कनाडा है। कनाडा का जो पूरा एरिया है बेशुमार, लेकिन कनाडा की आबादी कितनी है, सिर्फ 3.5 करोड़, 3.47 लाख, 3.5 करोड़ से भी 3 लाख कम है। तो सबसे बड़ा एरिया लेकिन आबादी सबसे कम, 3.5 करोड़। अब अगर आप देखें भारत की 135 करोड़ की आबादी, तो उसके मुकाबले कनाडा की 3.5 करोड़, और इन 3.5 करोड़ों में करीब 24 लाख इंडियन हैं,
24 लाख और इन 24 लाख में से करीब 7 लाख 7 लाख सिख सरदार हैं, यानी कि एक बड़ी आबादी सिखों की है कनाडा में। अगर भारत को छोड़ दें, भारत में इस वक्त करीब पूरे सिख की आबादी जो है 2 करोड़ 10 लाख के करीब है। तो 2 करोड़ 10 लाख भारत में है, इनमें से भी 90% पंजाब में, 80% बाकी सब अलग अलग देश के हिस्से में। लेकिन 2 करोड़ 10 लाख में से दुनिया में अगर भारत के अलावा सबसे ज़्यादा सिख जिन देशों में रहते हैं उनमें या तो कनाडा है या ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन में 7 लाख, ब्रिटेन में भी करीब यही है 6-7 लाख और कनाडा में भी करीब 7 लाख है। तो आबादी के लिहाज से भारत को छोड़ दें तो कनाडा में शायद सबसे ज़्यादा सिख रहते हैं। अब कनाडा में सिखों की आबादी का प्रतिशत है 1.4%, जैसे हमारे इंडिया में 1.7 है, क्योंकि 2 ही करोड़ आबादी और कहाँ 135 करोड़ है। तो ये तो हो गया। अब कनाडा में भी जो सबसे ज़्यादा सिख रहते हैं वो ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं, उनका एक स्टेट ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिखों की आबादी है। अब ब्रिटिश कोलंबिया का जो एरिया है, जैसे शुरू में मैंने कहा कि कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, तो ब्रिटिश कोलंबिया की कुल ज़मीन जो है 24,46,852 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, मतलब 24,46,852 किलोमीटर, इतना बड़ा है ब्रिटिश कोलंबिया। और अगर उसी के मुकाबले में पंजाब की बात करूं तो पंजाब का पूरा एरिया जो है वो है 50,362 किलोमीटर, मतलब कहाँ वो 24 लाख से ज़्यादा, कहाँ 50,000 पंजाब। अगर उस हिसाब से देखें तो ब्रिटिश कोलंबिया में अकेले पंजाब जैसे 50 राज्य समा जाएंगे, और आबादी के हिसाब से देखें तो कनाडा जैसे कम से कम 20 देश यूपी में समा जाएंगे आबादी के हिसाब से, क्योंकि यूपी की आबादी करीब 20-22 करोड़ है और वहाँ की 3.5 करोड़। तो ये तो एरिया वाइज हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कनाडा में 1 किलोमीटर के एरिया में, चूँकि इतनी है, इतना बड़ा इलाका है, तो वहाँ पे 1 किलोमीटर के एरिया में 4 लोग रहते हैं। अब आप सोचिए 1 किलोमीटर का दायरा और सिर्फ 4 लोग। अब इसको ऐसे समझिए कि हम इंडियन, हमारे पास जगह कम है, आबादी ज़्यादा है, तो इसलिए हालत ये है कि हमारे यहाँ पर 1 किलोमीटर में 382% रहते हैं, 382, और कनाडा में पर किलोमीटर में सिर्फ 4 लोग। बड़ा इतना है और आबादी ना के बराबर, 3.5 करोड़। तो दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है, सोचिए आप। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब सवाल ये कि कनाडा सिखों का सबसे फेवरेट देश कैसे बना, पहला शख्स कौन था जो कनाडा पहुंचा। 1897 की बात है, तब हम गुलाम थे। महारानी विक्टोरिया वो अपने एक इंडियन और ब्रिटिश सैनिक जो थे, भारतीय और ब्रिटिश सैनिक, उनकी एक टुकड़ी को एक डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था उसमें शामिल होने के लिए अपने साथ उन्होंने लंदन बुलाया इंडो और ब्रिटिश सैनिक को। तो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था, उसमें बुलाया गया, उसमें घुड़सवार सैनिकों की भी एक टुकड़ी थी। जो घुड़सवार सैनिक थे वो महारानी विक्टोरिया के साथ कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ जा रहे थे, और उसी में से एक रिसालेदार मेजर थे जिनका नाम था केसर सिंह। केसर सिंह इस घुड़सवार सैनिकों के दस्ते के रिसालेदार थे, और ये जब वहाँ पहुँचे तो ये हुआ कि फिर वापस कारवां आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग, इन्होंने कहा हम यहीं रुक जाते हैं, और वो कनाडा में रुक जाए, इस ब्रिटिश कोलंबिया का पार्ट जो था कनाडा का। अब उसके बाद बाकी सैनिक इधर उधर हो गए, चले आए, फिर इधर कुछ लौट कर आए। अब ब्रिटिश को भी वहाँ ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा भाई जो इंडियन कनाडा में बसना चाहे तो बता दे। तो बहुत सारे सैनिकों ने कहा हाँ, कुछ और लोगों ने कहा चलो यहाँ से निकल लेते हैं। तो देखते ही देखते मेजर जो केसर सिंह है उनके कुछ सालों के अंदर अंदर ब्रिटिश कोलंबिया में करीब 5,000 इंडियन पहुँच चुके थे, 5,000, और उसके बाद बढ़ने का यह सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन 1907 आते आते, ये बात 1897 की है, अब 1907 आते आते
जब इनकी तादाद बढ़ने लगी इंडियन की, तो वहाँ ब्रिटिश कोलंबियन के जो ओरिजिनल सिटीजन थे वो थोड़ा भेदभाव करने लगे। उन्हें लगा कि ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ये हैं, तो एक तरह से वायलेंस भी शुरू हो गया। जो इंडियन जाते थे उनके खिलाफ हिंसा भी होती थी और उन्हें बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को, तो बल्कि ब्रिटेन ने बाद में ऐसा हुआ कि लोकल लोगों ने जब हंगामा किया तो मजबूरी में इंडियन को वापस भेजना पड़ा। 1914 में ऐसे ही एक जहाज़ से भरकर इंडियन कनाडा पहुँचे थे, लेकिन कनाडा ने वहाँ पे उस वक्त उनको वापस भेज दिया, और इसमें सभी थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी लोग गए थे। लेकिन उस जहाज़ को वहाँ पर रोकने और उतरने की मुसाफिरों को इजाज़त नहीं दी। ये जहाज़ वापस कोलकाता लौटा और इस जाने और आने के दौरान में 19 मुसाफिरों की मौत हो गई थी। 2016 में अभी जो ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उस घटना के लिए माफ़ी मांगी थी। तो ऐसा नहीं कि हमेशा आवभगत हुई, लेकिन ये चीज़ें भी हुई और उनके साथ बड़ी हिंसा विंसा होती रही थी। लेकिन फिर 1960 में पहली बार कनाडा में लिबरल पार्टी की हुकूमत हुई, उसी लिबरल पार्टी की जिसके जस्टिन ट्रूडो अभी प्राइम मिनिस्टर, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं। लिबरल पार्टी थोड़ी सॉफ्ट थी, ख़ासतौर पर माइग्रेंट्स और ये इन सब को लेकर। तो उन्होंने कई नियम बदले, और उन नियम को बदलने के बाद ऐसे लोगों को, उन्हें ज़रूरत भी थी, उन्हें मालूम था भारत से सस्ते में लोग मिल जाते हैं किसी भी काम के लिए यूरोप के मुकाबले। तो हालांकि इससे पहले एक दौर ऐसा आया था कि इंडियन को रोकने के लिए कनाडा में उन्होंने ये कहा कि जो भी एक शर्त लगा दी थी कि जो भी इंडियन यहाँ आएगा उसके पास मिनिमम $200 होना चाहिए US, और जबकि ये यूरोपियन के लिए सिर्फ $50 था। तो ये भेदभाव था ताकि रोका जा सके। लेकिन 1960 के बाद कई ऐसे कानून बदले लिबरल पार्टी की, जब सरकार आई कनाडा में उसने दरवाजे और खोल दिए। अब धीरे धीरे इंडियन वहाँ पहुँचने लगे और वो सिलसिला आज भी जारी है। और उसकी वजह यह है कि एक तो वहाँ पे आबादी कम, बेरोज़गारी है नहीं, लोगों को नौकरी आसानी से मिल जाती है, फिर जो जाते हैं उनके अगर पेरेंट्स हैं या वाइफ है तो उन्हें भी काम करने का मौका दिया जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसने धीरे धीरे कनाडा में भारतीय समुदाय, ख़ासतौर पर सिखों को, के लिए रास्ता खोल दिया। और यही वजह है कि आज एक मेन फोर्स है सिख समुदाय कनाडा में। हालांकि सिख वहाँ पहुँचे तो सही और बहुत सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन एक चीज़ और हुई कि जब ये लोग आ रहे थे जा रहे थे उसी वक्त भारत में खालिस्तान मूवमेंट को लेके एक आवाज़ उठनी शुरू हुई थी, एक अलग राज्य सिखों के लिए, बल्कि देश। तो उसको लेके बहुत सारे फिर वायलेंस हुए और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के थ्रू एक ऑपरेशन को अंजाम दिया भिंडरांवाले के लिए। तो उसके बाद बहुत सारे जो खालिस्तान समर्थक थे उन्होंने देश छोड़ दिया और वो पहुंच गए कनाडा। अब धीरे धीरे अभी तक ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले जो कनाडा में तमाम सिख थे, बाकी धर्म के लोग थे, वो बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन कनाडा में जाने के बाद अच्छी उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई, पैसे कमाए। और इधर उसी वक्त जब ये खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ, तो बहुत सारे लोग कनाडा पहुँचे। और कनाडा जाने के बाद अब उसी के बाद धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट का आंदोलन वहाँ भी शुरू कर दिया। अच्छा, कनाडा एक ऐसा देश है जो कहता है कि सबकी, मतलब किसी की बात, किसी की ये, सबकी आज़ादी, तो इसीलिए वो जब तक के हिंसा या वायलेंस ना हो हर चीज़ की इजाज़त दे देता है। तो अब धीरे धीरे खालिस्तान समर्थक लोग भी वहाँ पहुँचना शुरू हो गया, इधर सिखों का वर्चस्व बढ़ता गया, बहुत सारे नियम बदले, उन्हें चुनाव में हिस्सा लेने की आज़ादी मिली। और धीरे धीरे फिर एक पार्टी बनी वहाँ, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके प्रेसिडेंट हैं जगमीत सिंह धालीवाल। तो जगमीत सिंह धालीवाल ये प्रेसिडेंट है। तो अब धीरे धीरे राजनीति में भी ताकत बढ़ी, उधर खालिस्तान मूवमेंट को भी लेकर वहाँ पे धीरे धीरे सारी चीज़ें शुरू हो गई। बल्कि ये होने लगा, अब तो एक हर साल का रूटीन है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो तारीख थी वो लोग उस दिन कनाडा में खालिस्तान समर्थक लोग बाकायदा एक रैली निकालते हैं, एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई महिला और उसके ऊपर रंग वंग डालकर, और फिर ये कहते हैं कि उसका बदला है। तो जो महिला का वो एक तरह से जिस तरीके से पेश करते हैं
वो वही इंदिरा गांधी की तस्वीर एक तरह से होती है। तो ये हर साल उनका हिस्सा है और खालिस्तान के समर्थन में वहाँ पे वो रैलियाँ, नारे, ये लगनी आम बात है। और भारत सरकार को इसी चीज़ से आपत्ति है कि आपके यहाँ एक आतंकी संगठन, क्योंकि भारत सरकार ने आतंकी संगठन डिक्लेयर कर रखा है, आप उनको पनाह नसीब देते हो बल्कि भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और आप खामोश तमाशाई बने रहते हो। तो उसको लेके अभी G20 समिट में जब जस्टिन ट्रूडो आए थे तो उनसे भी बात हुई थी अपने प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ थी। हुआ ये कि जब आज पार्लियामेंट में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि 3 महीने पहले जो एक खालिस्तानी आतंकवादी की गोली मारकर हत्या हुई कनाडा में, उसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है, तो ऐसा कहने के बाद उन्होंने न सिर्फ बल्कि वहाँ से अपने एम्बेसी से एक अफसर को भी निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। बदले में भारत सरकार ने भी एक को यहाँ पर कनाडा की एम्बेसी से एक अफसर को बाहर निकाल दिया। ये हमेशा होता है, जब भी दो देश एक कोई निकालता है दूसरा भी निकाल देता है। तो अब रिश्ते में कड़वाहट आ गई है। लेकिन सवाल ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा किया क्यों, मजबूरी क्या है, तो वो आपको कहानी बताता हूँ। लास्ट टाइम 2019 में कनाडा में चुनाव हुआ था और नेक्स्ट ईयर फिर चुनाव है, वहाँ पे भी 4 साल के बाद चुनाव होता है। तो अब नेक्स्ट ईयर कनाडा में चुनाव होना है। तो लास्ट टाइम चुनाव हुआ 2019 में, उसमें इसी जो लिबरल पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन मेजोरिटी से दूर रही। कुछ सीटें उसकी कम थी, 15-17 या 20। अब अलग अलग पार्टियां थीं, मेजोरिटी किसी के पास नहीं, लेकिन सबसे नज़दीक मेजोरिटी के यही लिबरल पार्टी थी, ट्रूडो की पार्टी। और ये लिबरल पार्टी हमेशा बाहर से आए लोगों के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। अब उसी दौरान, उसी इलेक्शन में 2019 में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके प्रेजेंट हैं जगमीत सिंह धालीवाल, इनकी पार्टी ने करीब 18-20 सीटें जीत ली और लगभग उतनी ही सीटें चाहिए थी सरकार बनाने में। तो जगमीत सिंह धालीवाल ने कुछ शर्तें रखी और ट्रूडो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया, सरकार बन गई, आज भी चल रही है। तो अब सवाल यह है कि एक सिख को करीब 18 MP हैं वहाँ पे, सिख समुदाय से जो आते हैं अलग अलग, तो उनमें से अब एक पार्टी जो वहाँ की सरकार को सपोर्ट कर रही है, जिसके सहारे वो सरकार चल रही है और वो पार्टी पूरी सिख कम्युनिटी को वहाँ एक तरह से रिप्रेजेंट करती है, और उनमें जगमीत सिंह जो हैं धालीवाल, इनका भी नाम ये आता है कि खालिस्तान समर्थक हैं। 2013 में ये इंडिया आना चाहते थे लेकिन भारत सरकार ने वीज़ा देने से मना कर दिया था इसी ग्राउंड पर कि ये खालिस्तान समर्थन को बढ़ावा देते हैं। तो वही शख्स वहाँ की पार्टी का प्रेसिडेंट और ट्रूडो की पार्टी को एक तरह से चला रहा है। तो अब सवाल ये है कि फिर ऐसी पार्टी के साथ सपोर्ट लेने के बाद आप उसकी जो बाकी चीज़ें हो रही हैं खालिस्तान को लेकर, आप उसको रोक नहीं सकते, आपके ऊपर दबाव भी होगा और आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो इस जो आज जो कुछ हुआ, रॉ का नाम जो आया, उसके पीछे यही है कि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर, नेक्स्ट ईयर चुनाव है और चुनाव में हर एक को पता होता है कि वहाँ पर आप बिना सिख कम्युनिटी के सपोर्ट से सरकार में बहुत लंबा रहना मुश्किल है, क्योंकि सीटें उनकी अच्छी खासी आ जाती हैं, एक बार तो 30 भी क्रॉस कर चुकी थी सीट। जो सबसे अहम वहाँ पे 5-6 राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं सिख कम्युनिटी को, तो उसमें है ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ से करीब इनकी 4 सीट है। इसके अलावा फिर ओंटारियो है, यहाँ पे ओंटारियो में सिखों की आबादी करीब 1,80,000 है। अल्बर्टा है, यहाँ पे 52,000 पॉपुलेशन है। इसके अलावा मैनिटोबा है, 11,000 है, साथ ही क्यूबेक है, करीब 9,500 है। तो ये 5-6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ से मतलब सीटें आती हैं। तो जब आप सपोर्ट ले रहे हैं और उनके सपोर्ट से आप सरकार चला रहे हैं, तो फिर उनकी जो डिमांड और कुछ चीज़ें होंगी तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और यही चीज़ें हुई। लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर अब सवाल ये आ रहा है कि आखिर एक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने और कुछ ना कहते हुए 3 महीने के बाद, ये 3 महीने पहले कत्ल हुआ था,
तीन महीने के बाद अब वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है, तो ये क्यों कह रहे हैं? एक चीज़ मैंने कई बार आप लोगों को अपनी कहानियों में जिक्र किया है कि हर देश में कल ही बल्कि किसी ने सवाल पूछा था, मैंने बताया था, एम्बेसी होती है दुनिया के हर देश में, एम्बेसी एक दूसरे की होती है, हमारे यहाँ भी है दुनिया भर के 200 से ज़्यादा देशों की एम्बेसी। तो ये काम धारणा है कि बल्कि धारणा क्या सच ही होता है कि हर एम्बेसी में उस देश की खुफिया एजेंसी के कुछ लोग किसी और प्रोफाइल पे आकर काम कर रहे होते हैं, जैसे कोई टाइपिस्ट होगा, कोई कुक होगा, कोई लॉन्ड्री वाला होगा, कोई मैकेनिक होगा एम्बेसी का उस देश का, लेकिन असल में वो उस देश की खुफिया एजेंसी का मेंबर होता है, ताकि आप उस देश, खासतौर पर जिन देशों में रिश्ते ख़राब हैं एक दूसरे से, वहाँ पे तो ज़्यादा ही होते हैं। तो कनाडा का भी यही है कि वहाँ की एम्बेसी में कुछ हमारे रॉ के एजेंट और उन्होंने ही ये काम कराया। इससे पहले भी दो और खालिस्तानी समर्थक की वहाँ गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि भारत सरकार ने सिरे से नकारा। उनका कहना है कि वहाँ पर खालिस्तान जो के लोग हैं सपोर्टर, उनमें भी आपस में गुट और आपस में ही इस लड़ाई में एक दूसरे को मार रहे हैं। तो रॉ का नाम इसीलिए आया कि कनाडाई एम्बेसी में मौजूद ये रॉ के इशारे पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ये मारा गया, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर 10 लाख का इनाम अपनी NIA ने डिक्लेयर कर रखा था। तो हरदीप सिंह निज्जर ये नाम है, 8 जून 2023 की सुबह ये एक गुरुद्वारे की पार्किंग थी, उस पार्किंग के बाहर जब हरदीप सिंह निज्जर पहुंचे तो अचानक गोलियां चली और फिर निज्जर की मौत हो गई थी। तो उसी मौत के 3 महीने बाद, जून में हुआ था, 18 जून को, और आज सितंबर है, और बल्कि आज 19 सितंबर है, मतलब ठीक 3 महीने कल हो जाएगा पूरा। तो 3 महीने के बाद आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये सारी चीज़ें कही हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने साफ डिनाई किया है और कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब लेकिन रिश्ते ख़राब हो गए हैं कनाडा और भारत के बीच में, यहाँ तक कि दोनों के बीच में जो बिज़नेस की डील होनी थी वो भी अभी रोक दी गई है। और ये जितने एक्सपर्ट्स हैं उनकी नज़र में आने वाले वक्त में, अभी चूँकि 2024 में इलेक्शन है और वहाँ सीटों का जो चक्कर है वो ऐसे ही है, क्योंकि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एक ताकतवर पार्टी है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि वहाँ तो वहाँ के पार्लियामेंट में जितने सिख सरदार हैं उतने तो अपने देश में भी नहीं है, जबकि यहाँ 2 करोड़ की आबादी है, वहाँ सिर्फ 7 लाख की आबादी है। और सिख और सरदारों का सपोर्ट करने की वजह से ही वहाँ मजाक में ये भी कहा जाता है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो को जस्टिन सिंह ट्रूडो कहा जाता है। तो 24 के चुनाव तक उम्मीद नहीं लगती कि रिश्ते बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि एक तरफ सरकार है, एक तरफ सत्ता है, और दूसरी तरफ फिर आपको जिन लोगों से सपोर्ट चाहिए उनके अपने डिमांड्स हैं, और उन डिमांड्स को आप नहीं मानेंगे तो फिर मजबूरी है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर हालांकि कहाँ मुकाबला, कनाडा 3.5 करोड़, भारत 135 करोड़, लेकिन हमारे रिश्ते अभी जो हैं, बस यही चाहता हूँ कि जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे अपने दोस्त हैं जो कनाडा में रहते हैं। अभी मेरे एक सीनियर राफे सुल्तान, वो भी लास्ट वीक ही कनाडा पहुँचे और वहाँ से लगातार मुझे फ़ोटो भी भेज रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर कितने सारे हैं वहाँ से जो लगातार भेजते हैं मुझे, एक नाम याद आ रहा है मनोज लुखार साहब, और भी बाकी बहुत सारे हैं जो कनाडा से मेल करते हैं, क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं। तो मैं यही मानता हूँ और यही चाहता हूँ कि कनाडा के साथ जो कड़वाहट आई है वो रिश्ते ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, और वहाँ रह रहे हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पर कोई आँच ना आए, सब सुरक्षित रहे, और दोनों सरकारों के बीच भी मामला थोड़ा ठंडा हो जाए। तो इसी के साथ, इसी दुआ के साथ आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही सिलसिला, आज अनिमेश का जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे अनिमेश। इसके अलावा सुगम प्रधान, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे सुगम जी। और ये उत्तर प्रधान, इसके अलावा प्रियंका प्रधान जी और श्रुति, उन्होंने भेजा है। रोहित वत्स का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे रोहित। साथ ही हर्ष का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे हर्ष, और ये कैलाश कुमार जी के बेटे हैं। साथ ही प्रतिमा सेंचुरी, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे प्रतिमा। और ये कृष्णा प्रतिमा की बिटिया हैं नेपाल से। माधव चंदेल, पाब्लो एस्कोबर की कहानी सुनना चाहते हैं, मैंने सुना दी आपको, इसी लिस्ट में मिल जाएगी माधव। साथ ही प्रकाश कुमार, इन्होंने एक कहानी की डिमांड की है।
साथ ही जूही सिंह, थैंक यू सो मच, मनोज लुखार इंडो कनाडा की कहानी की आज इन्होंने फरमाइश की, तो मैंने अभी बताया भी था ये कनाडा से हैं, वहाँ से बताते रहते हैं, थैंक यू सो मच मनोज भाई। गौरव विनोर मोहम्मद अली की कहानी सुनना चाहते हैं, बॉक्सर शाहिद आफरीदी, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा प्राशर कुमार, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब दिल्ली में कहाँ है, अलग अलग एक ही जगह है, तो ये सारी एक जगह है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, एक आपने इंडिया गेट और जो ओल्ड पार्लियामेंट उसके बराबर में है, जो सीधे ऊपर चढ़ते हैं, तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, इसी में सारी मिनिस्ट्रीज़ के दफ्तर एक साथ हैं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी है, तो लगभग एक, अब लेकिन नई चीज़ें बनी, नया पार्लियामेंट बना है, तो अब नई वो भी बन रही है सेक्रेटरिएट, जहाँ पे ये सारे मिनिस्ट्रीज़ के दफ्तर जो है अब शिफ्ट होंगे। तो आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।